सो ये गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज 2 अक्टूबर है और मैं अभी रूम पे हूँ। अभी हो रहे होंगे 10 साढ़े 10। सुबह में नाश्ते में शेक ही बना रहा हूँ, मैं शेक दिखाता हूँ आपको। तो ये शेक बना रहा हूँ मैं, इसमें पीनट बटर है, केला है, दूध है और इसमें हनी भी डाला है मैंने, जो केले के ऊपर है ना, देखो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज भी 2 अक्टूबर है, वैसे तो गवर्नमेंट हॉलीडे होना चाहिए क्योंकि गांधी जी का बर्थडे है, बट उसके बाद भी हमें ऑफिस बुलाया था। लेकिन मेरी कल दोस्त की कॉल आई थी, उसने बताया था कि आज इंटरव्यू चल रहे हैं और लेंस कार्ट में है, तो लगभग 2 बजे इंटरव्यू देने जाना है मुझे, तो मैं आज इसलिए छुट्टी पर हूँ। और लेंस कार्ट में जो हायरिंग निकली है, जो इनके स्टोर होते हैं उसके लिए निकली है सेल्स में। अगर मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सैलरी बढ़ के मिलेगी और जॉब एक नंबर की है, वहाँ पर इंसेंटिव भी बनेगा, सैलरी भी रहेगी। तो देखते हैं, मिनिमम सैलरी वहाँ पर 20K है और CTC मिल जाएगी 24-25, और इंसेंटिव भी बनता है वहाँ पे। अगर इंसेंटिव भी 4 से 5 हज़ार रुपये बना तो अच्छा खासा है, 30 हज़ार तक हो जाएगा। बस मेन जो है इंटरव्यू क्लियर करना है। इंटरव्यू में वैसे 90% चांसेस हैं कि मैं पार कर लूँगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ रेफरेंस से। पहले शेक बना लेता हूँ। तो भाई ये बन गया शेक, लगभग 1.5 गिलास होगा। अब इसको पी लेता हूँ मॉर्निंग का नाश्ता। सो भाई आज का ब्लॉग मैं पूरा लेंस कार्ड की इंटरव्यू पे शूट करूंगा, इसमें जो भी होगा मैं बताऊंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो बताऊंगा, सिलेक्शन रिजेक्शन जो भी होता है वो बताऊंगा। सिलेक्शन हो गया तो मेरा अच्छा है। ये चने हैं कल के नाश्ते के लिए, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरी जॉब तो है ही जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो बस यही है। 2 बजे निकलना है, तो इतने में थोड़ा लेंस कार्ड के बारे में पढ़ लूँगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लूँगा, सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं ताकि इंटरव्यू निकल जाए 100%। तो भाई वीडियो पूरी देखना एंड तक, क्या होता है क्या नहीं होता। हो सकता है तो मैं लेंस कार्ड में जाना हूँ इंटरव्यू के लिए, तो इस वीडियो से तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। सो भाई नहा धो के रेडी हो गया हूँ और अभी लंच का टाइम है तो लंच लेके आता हूँ। सभा एक हो रहे हैं ऊपर से, आज मंडे है तो कुछ नया मिलेगा। तो भाई आज बने हैं कढ़ी चावल, इसको जल्दी जल्दी खाता हूँ फिर इंटरव्यू के लिए निकलता हूँ डायरेक्ट। मुझे जाना है सेक्टर 14 लेंसकार्ट स्टोर रूम, तो जल्दी खा लेता हूँ। सो भाई मैं रेडी हो गया हूँ, बस निकलता हूँ जल्दी से, और ऑलरेडी मैं लेट हूँ, हायरिंग चल रही है तो बस जाता हूँ जल्दी। सो भाई अब यहाँ से सदर बाज़ार के लिए ऑटो लूँगा और वहाँ से सेक्टर 14 जाना है। सो भाई मैं इंटरव्यू दे के आ गया हूँ, जस्ट अभी आया हूँ, बस कपड़े निकाले हैं, चेंज किए हैं, और इंटरव्यू जो हुआ था मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जब मैं यहाँ से गया तो मैं निकला था यहाँ से 1:40 से, मैं यहाँ से पहुँचा डायरेक्ट सदर बाज़ार। सदर बाज़ार से फिर मैं वहाँ से 1.7 किलोमीटर पैदल चल के गया हूँ। मुझे लगा था थोड़ा पास होगा तो 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, बट वो 1.7 किलोमीटर निकला। कसम से जाते हुए बैंड बज गई थी। उसके बाद फिर मैं गया वहाँ पर स्टोर में पहुँच गया, मैं वहाँ पर रेफरेंस से गया था, तो मैंने वहाँ पर रिज्यूमे दिया, मैं थोड़ी देर बैठा रहा 10 से 15 मिनट, फिर मुझे बुलाया नीचे, फिर वहाँ पे एक मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया, शिखा नाम है, और मुझे नहीं पता कि वो HR हैं, TL है या स्टोर मैनेजर है, बट वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हैं। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ, पहले तो उन्होंने पूछा कि अपने बारे में बताओ, फिर पूछा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तो मैंने बताया अपने बारे में बता दिया, फिर अपने फैमिली के बारे में बताया, जो मुझे एक्सपीरियंस था वो बताया मैंने। फिर उन्होंने पूछा कि लेंस कार्ट के बारे में क्या जानते हो, तो मैंने बताया कि लेंस कार्ट जो है IVR बनाती है और ये 2010 में स्टार्ट हुई थी, और इसके CEO जो हैं पीयूष बंसल हैं, इसी टाइप से। फिर उन्होंने एक्सपीरियंस पूछा, उन्होंने पूछा फिर कि आप अभी करंटली कहीं वर्किंग हो, मैंने बोला यस मैम, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको इमीजिएट ज्वाइनिंग करनी पड़े तो कर लोगे, मैं कर लूँगा। उसके बाद मतलब इंटरव्यू मेरा बहुत ही नॉर्मली हुआ है, बहुत ही सिंपल, और जो जिसने मेरा इंटरव्यू लिया बहुत ही अच्छे से लिया, उन्होंने मतलब बताया भी, लेंस कार्ट के बारे में बताया, और उन्होंने एक क्वेश्चन और मेनली पूछा था, और ये हर जगह ही पूछा जाता है कि अगले 5 साल में आप इस कंपनी में आप कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को। तो मैंने थोड़ी राम गाथा बना के सुनाई कि जब मैं मतलब कि यहाँ पर आया था 2020 में, तो मैंने लेंस कार्ट का सेल्स प्रोसेस का मतलब ऑफिस देखा था GMD मेगा पॉलिश में, तो मुझे वहाँ पर मौका नहीं मिल पाया था काम करने का। फिर मैंने 2021 में भी देखा था,
GMD एम्पायर स्क्वायर में। उसके बाद मदरहुड में ज्वाइनिंग करने से पहले अप्रैल में मैंने यहाँ पे लेंसकार्ट में इंटरव्यू दिया था, तो मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी बट वैकेंसी फुल थी, तो फिर मेरा मतलब वहाँ हो नहीं पाया था। तो अब फिर से मुझे मौका मिला है, तो मैंने इस टाइप से एक कहानी बना के सुनाई जो रियल कहानी थी, झूठी नहीं थी। तो उन्होंने उसके बाद भी पूछा, क्योंकि जो उन्होंने क्वेश्चन किया था मैंने उसका आंसर अभी भी नहीं दिया था, कि अगले आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। फिर मुझे मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या आंसर दूँ, तो मैंने अपनी तरफ से एक कहानी बनाई, मतलब एक स्टोरी टाइप की बना दी कि अभी तक तो मैं वैसे एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर ही काम कर रहा हूँ, बट मैं अगले 5 साल में एक अपने आप को स्टोर मैनेजर में देखना चाहता हूँ, मतलब एक ब्रांच संभालना चाहता हूँ लेंसकार्ट आईवीआर की। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब एज ए स्टोर मैनेजर, मैंने कहा यस मैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो मैंने बोला कि 25। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको HR की तरफ से कॉल आएगी और जो भी सैलरी वगैरह होगा वो आपको बता देंगी, और आपको कब से ज्वाइनिंग करनी है वो भी आपको बता देंगी, जो स्टोर आपको प्रोवाइड होगा वो भी आपको बता देंगी। मैंने बोला ओके मैम। और फिर उन्होंने मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि मैम मुझे कल फिर से इंटरव्यू के लिए तो नहीं आना होगा, या मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा? तो उन्होंने बोला कि आपको आना नहीं है, जो भी होगा ऑन कॉल हो जाएगा। मैंने बोला ओके मैम, नो इशू। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी लेंसकार्ट इंटरव्यू से रिलेटेड, और मैं गया था रेफरेंस के थ्रू, जो मेरी एक फ्रेंड है जो विलसा में काम करती थी, प्रीति राणा, और उसका एक फ्रेंड है सुमित, हाँ, तो उन दोनों के रेफरेंस से गया था। तो उन्होंने, जब मैं इंटरव्यू के लिए नीचे गया मैम से मिलने, तो उन्होंने स्टार्टिंग में पूछ लिया कि आप किसके रेफरेंस से आए हो, तो मैंने बोल दिया कि मैम सेक्टर 46 में जो सुमित है और प्रीति राणा है उनके रेफरेंस से आया हूँ। तो मतलब रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है जॉब में कुछ जगह। तो ये तो मेरी इंटरव्यू से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद मेरी जेब में कितने रुपये पड़े थे आज? मुश्किल से 160-170 रुपये पड़े थे। मैंने सोचा भाई गुड़गांव में कि वहाँ पे जूते सस्ते में सिल जाएंगे, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे पूछ लेता हूँ। काफ़ी सारे लाइन से जूते के वो लगे हुए थे नीचे, तो मैंने बोला कि भाई जूते कितने में सिलेंगे? तो उन्होंने बोला कि जाओ जूते निकाल के दिखाओ। उल्टा किया, उन्होंने बोला कि भाई इसमें कील लगेगी, और उन्होंने बोला कि 20 की 6। तो मैंने सोचा यार कि शायद कम ही लगें कील, तो मैंने सोचा कि भाई 20 के 8 लगा लो। उन्होंने बोला ठीक है लग जाएगी। तो उसने क्या किया, उसका माइंड देखो, उसने मेरा जूता निकलवाया और उसमें लगाया जिसमें कील ठोकते हैं, जैसे ये जूता है, और उसने यहाँ से टक 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 एक जूते में 25 कील मारी, फिर दूसरे जूते में 25 कील मारी तो टोटल हो गई 50 कील। अब मैंने लगाया था 20 रुपये में 8 कील, तो अब उसका गुणा करो। तो मैंने लगाया, अब ये थी 50 कील, तो एक जूते में मतलब 20 रुपये की 8 कील है, 16 16 कम 16 16 दूनी 32 16 थी 48 कील, और जो 16 कील है ये 40 रुपये की हैं, तो 4 कम 4 4 दूनी 8 4 3 12 48 कील और 2 कील। तो मैंने उसको निकाल के दिए 120 रुपये। उसके बाद मेरे पास बचे बस 30 रुपये, तो उसमें से 20 रुपये आने का मैंने किराया दिया। मेरे पास 10 रुपये बचे हैं, जिसमें से शाम को मैं दूध लाऊंगा और शेक बनाना है मुझे। तो जाने से पहले तो मुझे केले खा के जाने होंगे जिम के लिए। और कसम से यार मैं लूट गया, कहाँ मुझे 60-70 रुपये देने भारी पड़ रहे थे जूते सिलवाने के लिए, और वहाँ पे देकर आया हूँ मैं 120 रुपये। अब वो तो ऊपर से कह रहा था कि पॉलिश कर दूँ या इसमें वो डाल दूँ, क्या बोलते हैं उसको, जो जूते में डलता है तली, जो तली में डलता है, वो उसका हिसाब था कि वो 200-250 रुपये मेरे से खींच लेता। अब मेरी जेब में थे सिर्फ 150 रुपये, 150-170 रुपये, तो इसका दल उठाऊँ मैं। यहाँ पे 70 रुपये देने में मेरी बैंड बज रही थी, वहाँ 120 रुपये देकर आया हूँ। तो भाई गुड़गांव में रहना है, थोड़ा स्मार्ट बनना सीखो, बना लूटते फिर हुए। अब मेन बात वही है कि तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम्हें लूटना है तो तुम लूटे हुए जैसे मैं लूटा हूँ। चलो भाई ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी अब कुछ खा पी लेता हूँ। सो भाई एक इन्फॉर्मेशन और, कि जिसके रेफरेंस से गया था प्रीति, वो कह रही कि तेरा 100% हो गया है, क्योंकि अब तुझे या तो कॉल हो सकता है, तुझे कॉल आए HR की, अगर कॉल आएगी तो, अगर तुझे कॉल आएगी तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी दे देंगे, बाकी तुझे मेल पे आएगी इन्फॉर्मेशन सारी, तुझे ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, बाकी तुझे अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो भी मेरी 1 हफ्ते की हो, 10 दिन की या 15 दिन की, और उसके बाद आगे जो भी ब्लॉग देखने को मिलेंगे लेंस काट के मिलेंगे, और उसके बाद बस सब सही चलता रहे।
चलो यार लेंस कार्ट में भी जॉब करने का सपना पूरा हो जाएगा। बट यहाँ पे जो शिफ्ट टाइमिंग है वो आफ्टरनून से इवनिंग की है, जैसे कि 12 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे लो। तो अब मुझे जिम जो है मॉर्निंग में ज्वाइन करना होगा, मतलब मॉर्निंग में चला जाया करूँगा। हो सकता है कि मुझे यहाँ से ये पीजी छोड़ना पड़े, पता नहीं स्टोर कहाँ मिलेगा, तो मुझे उसके आसपास ही रूम लेना होगा ताकि मुझे कन्विंस ना देना पड़े और उधर ही कोई जिम वम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब यही चलेगा, बाकी अपनी डाइट वाइट ले लेता हूँ। तो ये खाना बचा हुआ है इसको थोड़ा सा खा लेता हूँ मैं, उसके बाद केले खा लूँगा, काम खत्म। सो गाइस अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़बरदस्त वाली, तो मैं दूध ले आया हूँ बचे हुए 10 रुपये से। अब शाम को मुझे किसी से पैसे उधार ले लेने हैं और आज मैं जल्दी जिम चला जाऊँगा 6 या 6:30 बजे। उसके बाद आके मुझे कपड़े भी धोने हैं अपने। कम से कम मुझे 1,000 रुपये उधार लेने होंगे किसी दोस्त वगैरह से, तब जाके मेरा 8-9 दिन का खर्चा चलेगा, क्योंकि मेरा ये पीनट बटर ख़त्म होने वाला है 2-4 दिन में। तो मुझे एक ये डब्बा भी लेना है और पर डे का मेरा 40 रुपये वैसा खर्चा है कन्विंस आने जाने का। और उसके बाद डेली मैं केले लेता हूँ तो 30 रुपये या 35 रुपये के केले आते हैं डेली। और अगर मैं शेक एक टाइम भी पीऊँ तो 12 रुपये वो खर्चा है, तो डेली मेरा 100 रुपये का खर्चा है कुल मिला के। और भाई आज की सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं दे ही चुका हूँ ऑलरेडी, और इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ, क्या फ़ायदा, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। तो अब जिम जाऊँगा, अगर जिम में मैंने कुछ शूट किया तो दिखा दूँगा, वरना कोई बात ही नहीं। बाकी मैंने एक परसों वीडियो डाली थी भाई, उसमें व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो यार बहुत अच्छी बात है, कम से कम उस पर 400 हो जाएंगे 10-15 मिनट में, या हो गए होंगे। बस वही है, कुछ जानते हुए अगर दोस्त वगैरह उस पर लाइक कमेंट करें तो मुझे पता चले तो यार थोड़ा अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। और हाँ, एक मेरा दोस्त का भाई है, मतलब कज़न ब्रदर ही होगा, उसने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ट्रैवल ब्लॉग, और भाई उसके अब 3,500 सब्सक्राइबर हो गए हैं टोटल मिला के, और उसके व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि अभी उसने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी तो उस पर 20,000 के समथिंग व्यूज़ आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके सब्सक्राइबर जो हो गए 3,500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और अब तो उसे गेन होते रहेंगे, जैसे उसके 10,000 सब्सक्राइबर हुए तो समझ लो कि फिर उसकी गाड़ी रुकने की नहीं, फिर तो वो जल्दी 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे करके सब्सक्राइबर गेन कर लेगा और फिर एक अच्छा क्रिएटर बन जाएगा, कंटेंट क्रिएटर। पहले मैं ये कर लेता हूँ। तो ठीक है भाई, मेरा शेक बन गया है, मैं इसको पी लेता हूँ, और मैं सारी जानकारी दे चुका हूँ, तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो पर कमेंट करो, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा 100%। और उसके बाद अगर आप लेंस कार्ट में भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मैं रेफरेंस दिलवा दूँगा किसी से, तो बस यही है। और चैनल को 100% सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी अपना गोल अचीव कर सकूँ। और बस जय श्री राम।